24 में आपका स्वागत है और आज अपन एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं, औ फैक्ट्स रटे, ठीक है। और इसके अंदर अपन जो जो एग्ज़ाम के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के फैक्ट्स है उनको कैसे याद रखा जाए, उसकी एक सीरीज़ है वो स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर 5 से 7 मिनट का मैं वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। और उन 5 से 7 मिनट के अंदर अपन बहुत इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे और एग्ज़ाम के अंदर वो कैसे आए हुए हैं, कैसे उनसे सवाल पूछे हुए हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जैसे अभी अपने को देखना है कि जैसे भारत का राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं आपको 2018 का जो सवाल आया है वो भी बताऊँगा। इसके साथ साथ अभी जैसे महान्यायवादी कौन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आर वेंकटमणि अभी 16वें महान्यायवादी है। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जो है 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। उसके अलावा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें कैग है, ठीक है, ये याद करने। अब मैंने आपको इस जो अभी पढ़ाया उसके अंदर ज़्यादा रटने की चीज़ें नहीं बताई, लेकिन मेरी सीरीज़ तो है आओ रटे, तो ये सीरीज़ का नाम इसलिए दिया है क्योंकि मैं आपको जो बहुत चीज़ें सामान्य नहीं होगी, जो आपने रटा हुआ नहीं होगा, उन सब का प्रयास करेंगे कि उनको आपको रटवा दे। एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ये जैसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ये आप 2018 के आरएएस के अंदर ये वाला आप सवाल देख सकते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए ये सारे सीरीज़ का जो है वो लेके आया हूँ ताकि आपको इसके अंदर और ज़्यादा आसानी हो। अब जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसके लिए अपने को ये है जनरल अनिल, ठीक है, अनिल चौहान, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। अब इसके अंदर याद कैसे करना है अपने को, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि थल सेना का कौन है, वायुसेना का कौन है, तो चीफ करके चीफ कौन है, चीफ है अनिल, ये याद हो जाएगा आपको, एक दो बार आप देखोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो जो सस्ता सामान खरीदता है, ठीक है, वो आपके आसपास कोई दोस्त हो जो या तो पढ़ने में बहुत अच्छा हो या सस्ता सामान खरीदता हो, इस तरह से आप करके याद कर सकते हैं। उसके आगे वायुसेना, वहाँ से वायु और ये वह से विवेक, तो वायु ऐसे करके याद रखें, वायु विवेक, हरेक का आपको एकदम एग्जैक्ट ऐसे नहीं मिलेगा कि इसका आप याद ही कर लें। जैसे चीफ ऑफ जनरल डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर समय हर एक नाम का कुछ मिले ही, और मिले तो आप दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं अटका दें उसको। फिर अपन नौसेना का या देखते हैं, नौसेना का कैसे याद करेंगे। अब ये नौसेना के अध्यक्ष कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार, ठीक है, तो हरि के कितने अवतार अपन को दिखे, अभी ये 9वें अवतार है, ठीक है, 9, लेकिन है कितने अवतार, 10, तो इस तरह से हरि के 9 अवतार, हरि के 9 रूप नहीं 10 थे, ऐसे याद कर लें, हरि के 9 रूप नहीं 10 थे, 9 लिखा, रूप नहीं कितने थे, 10 थे, किसके, हरि के, तो नौसेना एडमिरल हरि कुमार आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर है थल सेना अध्यक्ष को कैसे याद करेंगे, तो आप देखिए थल पर कौन रहता है, पांडा, तो पांडा होता है, पांडा कहाँ रहता है, थल पर रहता है। देखिए ऐसा अपन इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने को याद रहे, कुछ ऐसी चीज़ें अपने को अपनानी पड़ेगी जिससे अपने को वो चीज़ें याद रहे, नहीं तो ये सारी चीज़ें अपन एक दो बार पढ़ेंगे और ज़्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा जब तक कोई ना कोई चीज़ अपन दिमाग में अटकाएंगे नहीं। ये देखिए सीमा, ठीक है, सीमा के लिए अग्र, सीमा के अंदर अग्र होकर, ठीक है, अग्र है सीमा के अंदर, सीमा के ऊपर अग्र होकर नित्य तैयार है, क्या, सीमा पर अग्र होकर नित्य तैयार है, कौन है, नितिन अग्रवाल, तो बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है, बीएसएफ के महानिदेशक, सीमा पर अग्र होकर नित्य तैयार है, तो कैसे याद रखना है, नितिन अग्रवाल, अग्र और नित्य, ऐसे कुछ न कुछ चीज़ें अटकाइए अपने दिमाग में, तभी याद होगा। समुद्री सुरक्षा समन्वय, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कम है, जी अशोक कुमार। फिर है ये महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, मतलब एनडीआरएफ के कौन है, एनडीआरएफ के अपन अगर देखेंगे
तो NDRF का अतुल करवाल, ठीक है। तो अब क्या है, आपदा, आपदा में रक्षा करवा लो, ठीक है, आपदा में रक्षा करवा लो, करवा लो। अगर आपदा किसी पे आ रही है तो उससे रक्षा करवा लो। कौन करेगा? अतुल, अतुल करवाल करेंगे आपदा के अंदर रक्षा। अब है सशस्त्र सीमा बल, SSB। अब क्या नाम है? सशस्त्र सीमा बल, जिसको बोलते हैं SSB। और इनके कौन है सशस्त्र सीमा बल के? सशस्त्र को आप ऐसे लिख दें सहस्त्र, सहस्त्र, सहस्त्र किसके होती है? रश्मिया, सहस्त्र रश्मिया, रश्मिया सहस्त्र किसके होती है? सूर्य के, ठीक है। अपन ने पढ़ा भी होगा कोई रामधारी सिंह दिनकर की अगर कविता, सहस्त्र दिव्य रश्मिया, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। तो सशस्त्र को अपन ने कर दिया सहस्त्र, तो रश्मिया या रश्मि अपने को आराम से याद हो जाएगा। उसी के बाद अगर अपन देखें तो ये CRPF है, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। अब रिजर्व पुलिस फोर्स है, ठीक है, ये याद रख लो, रिजर्व पुलिस, रिजर्व पुलिस। अब इसको थाऊ सेन है तो ताऊ की सेना ऐसे कर दो, ताऊ सेना, ठीक है, ताऊ की सेना। तो रिजर्व पुलिस ताऊ सेना, रिजर्व पुलिस ताऊ की सेना। वैसे महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, उद्योगों का उद्योग है, ठीक है, उद्योगों पर कोई हमला ना कर दे, उद्योगों को कोई लूट करने ले जाए तो उद्योगों का कोई सील संरक्षण, सील ना लूट ले, ठीक है, तो कौन? सील वर्धन सिंह। ऐसे करके अपने को दिमाग में चीज़ें अटकानी है। ये ऐसे अगर आप एक बार पढ़ोगे दो बार पढ़ोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, 0% फ़ायदा है आप चार बार भी पढ़ ले। जब तक आप इस तरह से दिमाग में चीज़ें नहीं अटकाएंगे, या डेली आप अखबार नहीं पढ़ते होंगे तो आपको ये चीज़ें वैसे भी याद नहीं रहनी, और एग्ज़ाम से 5 दिन पहले पढ़ेंगे तो नहीं याद रहेगी। इसलिए ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ, इस टेक्निक से आप अपने दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें अटकाएं। जैसे राज्यसभा के सभापति अपने को सबको पता है जगदीप धनखड़ है, राजस्थान से हैं, बहुत इम्पोर्टेंट राजस्थान। इससे पहले ये बंगाल के गवर्नर रहे हैं, ठीक है, बंगाल के गवर्नर, और इनको अभी राज्यसभा का सभापति और उपराष्ट्रपति दोनों यही है। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, काफ़ी समय से यही है, ये नीतीश कुमार की पार्टी से संबंध रखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है, सबको पता है अपने को। अब अपन देखते हैं महासचिव लोकसभा और महासचिव राज्यसभा, इन दोनों को कैसे याद करें। ये उत्पल, उत्पल से आ रहा है ऊपरी सदन, ऊपरी सदन कौन सा है? ऊपरी सदन होता है लोकसभा, ऊपरी सदन कौन सा होता है, सॉरी, ऊपरी सदन होता है राज्यसभा, लेकिन यह ऊपरी सदन के सदस्य नहीं है, यह ऊपरी सदन के महासचिव नहीं है, बस इतना याद रखना है। उसे ऊपरी सदन करना, ऊपरी सदन के महासचिव ये नहीं है। अब यहाँ पर प्रमोद चंद मोदी, प्रमोद चंद मोदी, ठीक है। अब मोदी जी किस सदन के सदस्य है? मोदी जी सदस्य है निचले सदन के, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ भी उल्टा है, तो यह भी निचले सदन के जो सब महासचिव नहीं है, ये भी निचले सदन के महासचिव नहीं है, दोनों में उल्टा है। मोदी जी महासचिव है, मोदी जी है जो है वो लोकसभा के जो सदस्य है, तो जो प्रमोद चंद मोदी है वो राज्यसभा के महासचिव है, और उत्पल कुमार ऊपरले सदस्य, ऊपर जो ऊपरी सदन है उनमें नहीं है, तो इसका मतलब वो कौन से सदन में? नीचे वाले सदन में है। इस तरह से कुछ दिमाग के अंदर अटका कर याद रखना है, नहीं तो निश्चित आप माने कि ये चीज़ें, इतनी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें अपने सामने याद करने के लिए आएगी, अपन निश्चित उनको इस तरह से याद नहीं कर पाएंगे। तो प्रमुख प्रमुख मैंने आपको बताया, उसके अलावा देखिए कैबिनेट सचिव, विदेश, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे कैब, ठीक है, इसको आप, इसको इसी की तरह कैबा गैबा, कैबा गैबा ऐसे करके याद करें, ठीक है। विदेश, विदेश के अंदर आपको यहाँ दिख रहा है विनय, विदेशी, विदेश के सचिव होते हैं जो अपने जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं वो कौन कैसे होते हैं? वो बहुत विनयशील होते हैं, कैसे होते हैं? विनय रखते हैं, वी से विनो, वी से विदेश और वी से विनय, इस तरह से दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें चलानी है। ग्रह, घर के अंदर कैसा आदमी आना चाहिए, घर के अंदर कैसा आदमी आना चाहिए? भला आदमी आना चाहिए घर के अंदर, भला आदमी नहीं हो तो अपन घर के अंदर उसको घुसने भी नहीं देते, तो अजय कुमार भला। रक्षा, रक्षा सचिव है कौन सा है? अरमाने, मतलब हार माने, लेकिन अरमाने है, हार नहीं मानते, रक्षा सचिव है इसलिए ये हार नहीं मानते, गिरधर अरमाने, मतलब ये हार नहीं मानते। राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव सबको पता है
वैज्ञानिक सलाहकार, ये वैज्ञानिक जो सलाहकार है वो कैसे हैं, ये अजय है, ये अजय, गलत लिख दिया, अजय मतलब विज्ञान जो है, वैज्ञानिक सलाह सुरक्षा सलाहकार ने ठान ली है कि इसको अजय बनाना है, विज्ञान को अजय बना देना है, ठीक है। अब ये नागेश्वर से अपन क्या निकाल लेंगे, सिर्फ नागा निकाल लेंगे, नागा मतलब नंगा, ठीक है। ये मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, नंगा कर दिया, ठीक है। तो नागेश्वर ऐसे करके कुछ न कुछ दिमाग के अंदर, अपने दिमाग में एस्टेब्लिश करना। अगर आपने अखबार नहीं पढ़ा है तो आप निश्चित माने आपको बहुत तरीके से याद नहीं होंगे, तो जो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा वो यही तरीका है, ठीक है। सूचना से क्या है, सूचना वर्धन करना, सूचना आयुक्त का क्या काम होगा, सूचनाओं को बढ़ाना, सूचना आयुक्त का क्या काम होगा, सूचना को बढ़ाना, कैसे बढ़ाएंगे, बढ़ाना मतलब वर्धन करना, सूचना का वर्धन करना, सूचना बढ़ाना। अब आईबी है, आईबी और रॉ इन दोनों के याद करते हैं। आईबी का क्या काम है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जो आदमी लगते हैं वो तपते हैं, तपने के बाद लगते हैं, और रॉ के अंदर जो लगते हैं वो सूर्य के समान होते हैं, मतलब रवि तपता, ठीक है। ये देखिए तपन कुमार और रवि सिन्हा, इन दोनों को ऐसे याद करना है। तो आईबी के अंदर जो है वो कौन, बहुत तप के बल पर लगते हैं, बहुत तपन करके उनको कड़े परिश्रम मेहनत से गुजरना पड़ता है तब वो लगते हैं, मतलब रवि की तपन, ऐसे करके याद कर लो। तो आईबी याद हो गया अपने को, ऐसे कैसे सारी चीज़ें एकदम डिटेल से याद करनी है। अब नीति आयोग के, नीति आयोग ये तो मोदी जी हो गए, ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है, ये अपने को याद करनी नहीं है। फिर उपाध्यक्ष और सीईओ के बारे में याद करना है, तो मोदी जी के बैरी, ठीक है, जो उपाध्यक्ष है वो मोदी जी के बैरी है, सुब्रह्म, ठीक है, अच्छे ब्रह्म, मोदी जी बैरी सुब्रह्म, मोदी जी के बैरी सुब्रह्म, ऐसे करके याद कर लो। या मोदी जी के जो बैरी है वो सुमन जो है वो ब्रह्मा है, ऐसे करके कुछ भी तीनों चीज़ एक साथ याद कर लो, मोदी जी के बैरी सुब्रह्म, मोदी जी के बैरी सुब्रह्म, तो आपको याद रह जाएगा। एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, एक नीति आयोग का सीईओ है। अब संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा, संघ सोनी, तो मनोज सोनी इनके है। महिला आयोग की अध्यक्ष आपको याद ही होगा क्योंकि रेखा शर्मा काफ़ी टाइम से है। और ऐसे कैसे कर्मचारी चयन बोर्ड, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इन सबको एक बार देख लेना। अब जैसे और भी बहुत सारे अगर आप देख सकते हैं, रेलवे बोर्ड है, तो रेलवे को अपन क्या कहते हैं, लोह पथ गामिनी, ठीक है। तो यह लोहाटी आ गया, अपने को याद रह जाएगा बिल्कुल। ऐसे ही सारी चीज़ों के ऊपर अपना अगर दिमाग थोड़ा बहुत लगाएंगे तो अपने को सारी चीज़ें याद रहेगी। करंट याद करते समय अगर आप उसको 4-5 बार पढ़ लोगे तो भी वो आपको सवाल याद नहीं होंगे, कुछ न कुछ करके दिमाग में अटकाना ज़रूर। ये अटकाने का क्या तरीका होगा, ये अपन आओ रटे इस सीरीज़ के अंदर देखेंगे। मैंने आपको ये चीज़ें बताई, आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो, ये जो चीज़ें बताई है वो आपको कैसी लगी। अगर बहुत अच्छी लगी, आपको लगता है ऐसी सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए, तो बिल्कुल आप मुझे सपोर्ट करें और कमेंट पूरा भर दें कि सर कैसा लगा, क्या क्या मज़ा आया, नहीं आया, ठीक है। उसके बाद मैं और आपके लिए ऐसे ही जो जो मैं पढ़ूंगा, जैसी जैसी चीज़ें मेरे को समझ में आएगी, जैसे मैं रटता हूँ, जैसे मैं याद करता हूँ सारी विषयों के अंदर, ऐसे ही बिना फेस दिखाए मैं आपको क्लास लेके आऊँगा, और ये रिकॉर्डेड क्लास होगी जो आपको कभी भी दिन के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना बहुत ख्याल रखें, साथ ही साथ पढ़ते रहें, IRS की तैयारी करते रहें, बहुत नज़दीक एग्ज़ाम है। नमस्कार।